वो पूछते हैं मुझसे मेरे घर का पता। मैंने कहा जनाब कहां कहां का बताएं, कईयों के दिलों में रहते हैं। उन्होंने किया इजहार अपनी मोहब्बत का, उन्होंने किया इजहार अपनी मोहब्बत का। हमने दिया जवाब, करना पड़ेगा इंतजार क्योंकि लंबी है कतार, करना पड़ेगा इंतजार जन्मों का। नमस्कार, मैं प्रणीता गुसाई हूँ। आज आप सबके सामने अपनी एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। इस कविता का शीर्षक है बात को जुबान पर लाइए, दिल में ना दबाइए। इस कविता के जरिए मैंने बताने की कोशिश की है कि आज के समय में हम लोग कैसे इतनी भीड़ में भी अकेले हैं और कैसे इतने दोस्तों के होने के बावजूद भी हमारी बातें हमारे ही अंदर हैं, और इनके क्या साइड इफेक्ट्स हमारे को आज के समाज में देखने को मिल रहे हैं। और अंत में कोशिश की है बताने की कि किस तरह हम फिर से अपने दोस्तों को अपना सकते हैं, किस तरह हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं और किस तरह हम अपनी जिंदगी को फिर से खुशनुमा बना सकते हैं। हाय, हेलो, कैसे हो से होती है बातचीत शुरू। मैं अच्छा हूं, तुम सुनाओ। आई एम टू गुड, और यही खत्म होता है बातचीत का सुरूर। अब लोगों के पास बातें नहीं रही, इच्छाएं नहीं रही, टाइम नहीं रहा, कहानियां नहीं रही, या फिर विश्वास ही नहीं रहा। मुझको है यकीन तकलीफ में है कहीं, ऐसा तो नहीं लाश बनकर घूम रहे हैं सभी। ये कैसा डर है, ये कैसा विचार है कि अब अपनी तकलीफों को नहीं शेयर करता इंसान है, खुद ही खुद में रहता है, अंदर ही अंदर घुटता है, खुद ही खुद में रहता है, अंदर ही अंदर घुटता है, अपने को अकेला समझ दुनिया ही छोड़ जाता है। ये कैसा मानवता का विकास है कि बढ़ रहा आत्महत्या का ग्राफ है। ये कैसा मानवता का विकास है कि बढ़ रहा आत्महत्या का ग्राफ है। कहीं ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया से जुड़ रहा हर इंसान है पर जानता नहीं असल में दोस्तों का क्या हाल है। अंत में मैं ये लाइनें अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहूंगी, उनको कहना चाहूंगी और उनसे ये लाइनें अपने लिए सुनना चाहूंगी। अगर आपके भी दिलों तक ये पहुंचे तो प्लीज अपने दोस्तों से संपर्क जरूर करिएगा। तुम जैसे भी हो अपने हो, परिवार हो, दोस्तों, तुम जैसे भी हो, अपने हो, परिवार हो, दोस्तों, नहीं फर्क पड़ता कि गरीब हो या अमीर हो, नहीं फर्क पड़ता कि गरीब हो या अमीर हो, सक्सेस हो या फेलियर हो। मैं कोई जजमेंट नहीं करूंगी, गलत होंगे तो सुधारूंगी, तकलीफ में होंगे तो मदद करूंगी, खुश होंगे तो खुशियां बढ़ाऊंगी, दुखी होंगे तो दुखों को बांटूंगी। लेकिन अब अपने दोस्तों से हाय हेलो से ज्यादा बात करकर ही मानूंगी लेकिन अब अपने दोस्तों से हाय हेलो से ज्यादा बात करकर ही मानूंगी याद दिलाऊंगी, डिस्टर्ब करूंगी, याद दिलाऊंगी। वो नहीं भी बताएंगे तो अपनी तकलीफ सुनाऊंगी। याद रखना आप सभी जिंदगी में, ये जरूर याद रखना कि दुनिया में आना और जाना ही अकेले होता है, दुनिया में सिर्फ आना और जाना ही अकेले होता है, जीवन तो साथ में जीने का नाम होता है।